अगर परछाई कद और औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो सूरज डूबने ही वाला है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु अपने घमंड का ज्ञान किसी को नहीं है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे हैं तो ये समस्या उनकी है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद कर करके अपना आज का दिन व्यर्थ ना गवाइए। अगर किसी भिखारी को आप कुछ नहीं दे सकते तो उसे बुरा भला मत कहो, क्योंकि मांगा वहीं से जाता है जहां उम्मीद होती है। हर समस्या के दो समाधान हैं, या तो उससे भाग लो या फिर उसमें भाग लो। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास न करना। तजुर्बे से शेरों ने खामोश रहना सीखा है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। सफलता पाने के लिए खुद को धक्का दीजिए, क्योंकि सफलता के लिए कोई और आपको धक्का नहीं देगा। अगर इंसान खुद की गलतियों को गिनना शुरू कर दे तो दूसरों की गलतियों पर उंगली करने का मौका नहीं मिलेगा। नादान से दोस्ती करो, क्योंकि मुसीबत के समय कोई भी समझदार साथ नहीं देगा। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं, कमाई जाती हैं। कभी कभी कुछ गलत लोग जिंदगी का सही मतलब समझा देते हैं। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो यकीनन जिंदगी भी बदल जाएगी। कुछ लोग हमको बहुत प्यार करते हैं और उनके प्यार को ना समझकर हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने विचारों में ताकत रखें, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनेंगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। जीभ तेज धार की चाकू की तरह है, जो बिना खून निकाले ही मार देती है। स्वाद और विवाद दोनों को ही छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ा तो शरीर का फायदा और विवाद छोड़ा तो संबंधों का फायदा। चैन से जीने के लिए दो रोटी और दो कपड़े काफी हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए दो बंगले और दो गाड़ी भी कम है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि अपना कौन है। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते बचाने हैं। तो जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। कोई तुम्हारी खुशी बने, इससे अच्छा है कि तुम किसी की खुशी बन जाओ। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में है। जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है, यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। बाल सफेद करने में तो जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग सच सुनना पसंद करेंगे, लेकिन बोलना नहीं। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। पूरे संसार में ज़बान एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। इस जिंदगी से आप जो भी ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि जब जिंदगी लेना शुरू करती है तो सांसें भी नहीं छोड़ती। आपका अच्छा समय उनको दिया करो जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया हो। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायतें नहीं करता। उस शख्स को कभी मत छोड़ना जो आपकी जिंदगी से जिंदगी जीता हो। जिंदगी में कभी छोटी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हो सके तो बैठ के बात करनी चाहिए। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव हमारी जिंदगी की सीख है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, और ज्ञान कहता है कि जीभ में लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। जब जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं।
शिक्षा अगर बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं सिखाती तो ऐसी शिक्षा से अनपढ़ रहना बेहतर है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो आपकी बड़ी जीत है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। यदि आप एक बार किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो आप फिर कभी उनका सम्मान नहीं पा सकेंगे। जरूरी नहीं कि सभी इच्छा अच्छी हो, कुछ इच्छाएं आपको परेशान भी कर सकती हैं। किस्मत अपने आप में महान है, लेकिन जीवन का ज्यादातर हिस्सा बड़ी मेहनत से बनता है। समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं। फ्रेंड्स, मेरी लाइंस अगर आपको पसंद आई हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।